हे पीपल, अगर आपने 5 रिक्वायरमेंट ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम वाली वीडियो देखी है तो आपने एवलांच इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। एवलांच इफेक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हैशिंग एल्गोरिथम एंड SHA-256 के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मैंने एक सीरीज ऑलरेडी बना रखी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से। अगर आप चैनल पे न्यू है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, जहां मैंने सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझाया है ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या होता है एवलांच इफेक्ट और कैसे ये काम करता है। जब भी हम किसी डेटा को SHA-256 में एंटर करते हैं तो हमें 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्हें हम हैश कहते हैं। डेटा को एंटर करने और हैश को प्राप्त करने के बीच एवलांच इफेक्ट अपना गेम खेलता है, जिसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जब मैंने अपने प्यारे से इंट्रो को डेटा के तौर पे एंटर किया तो मुझे एक 64 हेक्साडेसिमल का स्पेसिफिक हैश वैल्यू मिला। लेकिन जैसे ही मैंने डेटा में थोड़ी सी चेंजिंग करी तो मेरी हैश वैल्यू भी पूरी तरह से चेंज हो गई। डेटा में छोटी सी चेंजिंग की वजह से पूरे हैश वैल्यू का बदल जाना ही एवलांच इफेक्ट कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कॉन्टेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।